आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। पारस हॉस्पिटल के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ समाप्त। प्रशासन की समझाइश के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ और डेड बॉडी को मोर्चरी में देर रात रखवाया गया। करीब 3 से 4 घंटे चला विरोध प्रदर्शन। एक बार तो माहौल गर्मा गर्मी का हो गया था। ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन चिड़ावा SDM संदीप चौधरी, DYSP सुरेश शर्मा, CI भगवान साहेब मीणा, पिलानी से CI इंद्र प्रकाश यादव, चिड़ावा तहसीलदार गंभीर सिंह, चिड़ावा BSCMO संत कुमार जांगिड़, चिड़ावा CSC इंचार्ज नितेश जांगिड़ व मृतका के परिजन व ग्रामीण के बीच चली 2 बार वार्ता। एक बार रही असफल तो दूसरी बार रही सफल। वार्ता में प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और नर्स को APO करने का कहा, तो वही पोस्टमार्टम के लिए संत कुमार जांगिड़ ने कहा कि जिस डॉक्टर से आप कहेंगे उसी से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजन व ग्रामीण बार बार मांग करते रहे मुआवजे की, लेकिन पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुआवजे से किया साफ इनकार। काफी देर तक होता रहा हंगामा। आपको बता देते हैं कि डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ने के कारण हॉस्पिटल से झुंझुनू रेफर किया गया था, फिर झुंझुनू से जयपुर रेफर किया गया था और देर रात महिला की मौत हो गई थी। ऐसे में हफ्ते भर एडमिट रही थी महिला। अभी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो वही ग्रामीणों ने कहा है कि उचित कार्रवाई ना होने पर फिर से हॉस्पिटल के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहेंगे। सुनो, ये तो नहीं दिया मारे पर छोड़ दी कि ते मना लो मन तो अना तो यहाँ कह दी ना खींच के दे तू मन ने मैं तो उनका लीला दाद कर दिया नहीं बोलो एक भी कोई गुने मार दिया। सुनो सुन ले, अरे बात दो आदमी सुनिए, CI साहब की, दीप साहब है, दीप साहब की और तारी भाई ईश्वर में तो हाथ जोड़ लिया उनका कह उन्हें उनका कह उन दरिया का भी मुगो पर 2 गरीब बच्चा है उनका देखो मैं बोले टसु मच कौन देखा मैं तो कुए आज मरता तड़का मरो। डिप्टी साहब ने बोले भाई मैं करूंगा आपकी मदद, मैं नहीं बख्शूंगा किसी को भी। IGM साहब सारा अधिकारी IGM साहब सकला यहाँ गई है, हम नहीं बख्शेंगे, इन्होंने अपराध किया इस अपराध की सजा हम दिलाएंगे। दिलाएंगे वो क्या बताऊं मैं, और दिल पर हाथ धर गया हम हरियाणा और सगले जनता की तरफ से मैं एक बात ये सही है, इन न्याय और इन न्याय नहीं करोगा ना सारी भगवान पार्वती के मेरी बात सुनो, आसमान के नीचे खड़ा हूँ ठीक है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इस आसमान के नीचे खड़ा हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बोर्ड करवा के बोर्ड बढ़वा के मेडिकल करवा के और दिल्ली सम्मानित हो राष्ट्रपति सम्मानित करे इतना ईमानदार आदमी, मेरी बात सुनो 25 दिन में 25 साल अभी BCO साहब ने हमें आश्वासन दिया है सुबह पोस्टमार्टम से पहले यहाँ पे जो नर्स है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उसको APO करेंगे, जो इधर लेके आई थी और जो दूसरी नर्स है उसको दोनों CMHO से बात करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिसकी बगैर ड्यूटी है। अगर इस मालिक के खिलाफ इस हॉस्पिटल के खिलाफ हमको अगर कार्रवाई उचित नहीं लगी तो हम पोस्टमार्टम के बाद में दोबारा इधर आएंगे, ये डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है। आपके साथ पूरी संतुष्टि के साथ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाएंगे आपका। हाँ सुबह मुकदमा दर्ज होएगा हॉस्पिटल के खिलाफ, सुबह मुकदमा दर्ज होएगा। उसके अलावा आपकी और क्या मांगे? हमारी ये मांगना हमारे साथ बिल्कुल न्याय से न्याय होना चाहिए और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रुके रहेंगे। बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुबह आपके साथ न्याय होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। जो दो नर्स हैं इसके मालिक है, एक तो इस हॉस्पिटल की जो उसकी ड्यूटी बगड़ है उसकी
जांच करके कार्रवाई की जाएगी, और सुबह जो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो यहीं आकर बैठे हैं बॉडी लेकर के। ये पारस हॉस्पिटल के समक्ष एक लेडी थी जिनकी डिलीवरी हेतु उनको एडमिट कराया गया था 4 तारीख को, उसके सामने सही बड़ी का एक बुढ़ानिया का पास है, वहाँ की ये पेशेंट थी और डिलीवरी के दौरान उन्हें यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको झुंझुनू रेफर कर दिया था। झुंझुनू के उपरांत उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया और जयपुर में इस महिला रोमा, जिसका नाम रोमा था, उसकी डेथ हो गई। डेड बॉडी को ये कहते हुए इन्होंने पारस हॉस्पिटल के सामने रख दिया कि भाई पारस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनकी लापरवाही के कारण ये डेथ हुई। तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, जो प्रारंभिक जो जांच में जो चीज़ सामने आई है उसमें यही था कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि भाई हमने तो समय रहते हुए इनको रेफर कर दिया था तो हमारी कोई विशेष गलती नहीं है, पर इसकी जांच, ये तो जांच का बिंदु है। तो अब उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे वार्ता की गई और वार्ता के दौरान ये सहमति बनी है कि इस पारस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जिस ANM ने यहाँ पे उनको लेके आए थे उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाय टुमारो मॉर्निंग उनको APO कर दिया जाएगा। ऐसे इस हॉस्पिटल से संबंधित एक GNM है जो कि बगड़ में पोस्टेड है, उन्होंने ये जो डिलीवरी है ये करवाई थी तो उसके खिलाफ भी एक्शन हेतु झुंझुनू के CMHO साहब को अभिशंसा कर दी जाएगी और कल सुबह एक बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम करा जाएगा। इन 2-3 बिंदु के ऊपर चर्चा होने के बाद आम सहमति बनी और ये सहमति बनने के उपरांत जो परिवारजन है उन्होंने मोदी को उठा के CHC मोर्चा।